पाकिस्तानी जनता को एक तरफ खाने के लाले पड़े हैं तो दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ परमाणु बम की हेकड़ी दिखा रहे हैं। शहबाज ने कहा है कि भारत उनकी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्री पर बुरी नजर नहीं डाल सकता है क्योंकि हमारे पास उसके पैरों तले कुचलने की ताकत है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान भारत के सामने अपनी न्यूक्लियर पावर की अकड़ दिखा रहा है। इससे पहले भी कई बार इस्लामाबाद ने सीमा पार के मुद्दों को कुछ इसी तरह बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि उनकी परमाणु शक्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती रही है। रविवार को एक रैली के दौरान शरीफ ने ये बातें कही है। साथ ही ये भी कहा है कि ये जो बड़ी बड़ी रियायतें हैं जिन्होंने जमुरियत के लिबासे ओढ़ रखे हैं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। शहबाज शरीफ ने रविवार को ये दोहराया कि कश्मीरियों को कूटनीतिक, राजनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उनका समर्थन जारी रहेगा। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत हमेशा जम्मू कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान के उत्पन्न होने वाली सीमा पर आतंकवाद को लेकर हमेशा से तनावपूर्ण स्थिति रही है। पिछले महीने शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने एक सबक सीख लिया है और भारत के साथ शांति से रहना चाहता है, लेकिन इस बार शहबाज शरीफ अपनी ही बातों से मुकरता हुआ नजर आ रहा है।